गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम पोर। आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सभी बच्चे जल्दी से एक बार लाइव आ जाइए और चलिए इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि शाम को 4 बजे हमारी क्लास होती है, डेली होती है। तो डेली आप लोगों को शाम को 4 बजे यहाँ पर आ जाना है, सोमवार से लेकर के शनिवार तक, ठीक है। और जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर आए हुए हैं, सबसे पहले तो आप सभी को मैं बता दूं कि अमृता मैम एग्जामपुर नोट्स टेलीग्राम चैनल एग्जामपुर की तरफ से बनाया गया है, जहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाती है। तो आप सभी बच्चे पीडीएफ जरूर रिवाइज किया करो, और जो बाद में बच्चे हैं जो बाद में लाइव क्लास नहीं देख पाते, बाद में देखते हैं, ऑफलाइन देखते हैं, तो बच्चों आप लोग भी कोशिश क्या करो कि ज्यादा से ज्यादा लाइव क्लास में आप लोग आओ, ठीक है। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं जल्दी से लाइक कर दीजिए एक बार इस सेशन को, और चलिए सेशन को हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जिन बच्चों ने अभी तक हमारे एग्जाम पोर की एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है, जल्दी से डाउनलोड कर लेना। और ऐसे बच्चे जिन्होंने डाउनलोड किया था पर अभी तक अपडेट नहीं किए हैं, जल्दी से अपडेट भी कर लीजिएगा, क्योंकि नए नए फीचर्स होते हैं, बहुत सारे नए फीचर्स आते हैं जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प यहाँ पर करते हैं। तो नमस्ते नमस्ते, प्रणाम, और चलिए सेशन को हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले जो पहला प्रश्न है वह आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है, और जल्दी से इसका आंसर आप लोग करके बताएंगे कि कौन सा आंसर यहाँ पर हमारा सही होना चाहिए। चलिए बच्चों फटाफट से इसका आंसर करेंगे, कौन सा आंसर यहाँ पर हमारा सही होना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन है कि अगर हम बात करें वोबिदी ओविस के बारे में, तो यह किसका साइंटिफिक नाम है, यह किसका यहाँ पर साइंटिफिक नाम होता है। चलिए जल्दी से इसका आंसर करेंगे फटाफट से, कौन सा आंसर यहाँ पर हमारा सही होना चाहिए। बेटा गुड मॉर्निंग नहीं, गुड इवनिंग हो रहा है, चलो बताओ जल्दी से इसका आंसर करो, कौन सा आंसर यहाँ पर हमारा सही होना चाहिए। और इसका जो सही यहाँ पर आंसर बनेगा, कल बेटा क्लास हो नहीं पाई थी, कुछ इश्यू आ गए थे इस वजह से, तो परेशान मत हो, कल क्लास नहीं हो पाई थी, कुछ इश्यूज हो गए थे इस वजह से, ठीक है। चलिए अब जल्दी से इसका आंसर करेंगे, और इसका जो आंसर यहाँ पर बनेगा वह क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। तो अगर आप भेड़ के बारे में बात करते हैं, तो जो भेड़ होता है उसी का ही वैज्ञानिक नाम क्या होता है यहाँ पर, और तो बताना कि बोविली ओविस इसी का ही यहाँ पर नाम होता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आता है, व्हाट इज द साइंटिफिक नाम ऑफ गोट। अगर आप गोट के बारे में बात करते हैं तो गोट का क्या यहाँ पर साइंटिफिक नाम होता है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, आ जाइए सभी बच्चे। तो लिखिए यहाँ पर, इसे हम कहते हैं कैप्रा, कैप्रा एगिगेरस इसका यहाँ पर नाम होता है, कैप्रा एगिगेरस हिरकस भी इसको यहाँ पर कहा जाता है, ठीक है। तो फटाफट से आप इसको नोट कर लो। दूसरे नंबर पर काऊ की अगर हम बात करें, तो आप सभी को पता है यहाँ पर इसे हम कहते हैं बॉस इंडिका, क्या कहते हैं इसे हम यहाँ पर, बॉस इंडिका। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है यहाँ पर, साइंटिफिक नेम ऑफ बेफेलो, यानी जो भैंस होती है उसका साइंटिफिक नाम यहाँ पर क्या होता है। तो भैंस का जो साइंटिफिक नाम है वह यहाँ पर क्या होता है, बताइए जल्दी से इसका आंसर करें, जिन बच्चों को यहाँ पर पता है बताइए फटाफट से, जल्दी से इसका आंसर करिए। पीडीएफ नहीं आता, मैं बता दूंगी कैसे आ जाता है, कैसे देख लेते हैं। चलिए आप जल्दी से इसका आंसर करेंगे, कौन सा आंसर यहाँ पर हमारा सही होना चाहिए। तो डी ऑप्शन सही था। बच्चों प्रॉपर टाइम दे रही हूं मैं आपको, बताओ भैंस का जो साइंटिफिक नाम होता है वह क्या यहाँ पर होता है, बताओ कोई तो बच्चे बताओ। घोड़े का नाम नहीं पूछ रही हूँ, भैंस का नाम पूछ रही हूँ। भैंस की अगर हम यहाँ पर बात करें, तो भैंस को हम कहते हैं यहाँ पर बैबुलस बैबुलस, क्या कहते हैं यहाँ पर, बैबुलस बैबुलस इसको हम यहाँ पर कहते हैं। एक बच्चा कह रहा है घोड़े का, बेटा घोड़े को हम कहते हैं यहाँ पर इक्वस फेरस, घोड़े की अगर हम बात करें तो इक्वस फेरस इसको यहाँ पर कहा जाता है। तो फटाफट से इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिक्रेटेड बाय द लीवर, निम्नलिखित में से कौन सा यकृत द्वारा श्रावित होता है, निम्नलिखित में से कौन यहाँ पर है जो कि यकृत के द्वारा श्रावित होता है,
सबसे पहले जो है आप लोगों का वो है कि ग्लूकोज होता है, आयोडीन होता है, कोर्टिसोल होता है या फिर बाइल यहाँ पर होता है। चलिए जल्दी से इसका आंसर करेंगे फटाफट से। तो अगर आप लीवर के बारे में बात करो तो ग्लूकोज होगा, आयोडीन होगा या फिर कोर्टिसोल होगा या फिर पित्त यहाँ पर होगा। और इसका जो सही यहाँ पर आंसर बनेगा वह क्या होना चाहिए, पित्त यहाँ पर, बाइल यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होना चाहिए। आप सभी को यह बात तो पता ही है कि जो भी हमारा लीवर होता है उससे क्या निकलता है, बाइल जूस निकलता है। क्या निकलता है, बाइल जूस यानी पित्त रस निकलता है। और आप सभी को यह भी पता होना चाहिए कि जो लीवर होता है वो कभी भी पित्त रस निकाल देता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाएगा, इसको स्टोर करके रखा जाएगा, इसको संग्रहित करके रखा जाएगा। तो कहाँ पर संग्रहित करके इसको रखा जाता है, तो आंसर करना कि जो भी हमारा गैल ब्लडर होता है यानी जो भी हमारा यहाँ पर पित्ताशय होता है वहां पर हम इसको स्टोर करके रखते हैं। तो फटाफट से नोट कर लीजिए कि जो भी आपका पित्ताशय होगा वहां पर इसको स्टोर करके रखा जाता है, ठीक है। तो इस चीज को आप लोगों को ध्यान यहाँ पर रखना है, ठीक है। हैप्पी सिंह आ जाओ सभी बच्चे। अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं। जो भी हमारा पित्त रस होता है उसका काम क्या होता है, मतलब उसका वर्क यहाँ पर क्या होता है। तो पित्त रस की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये क्या करता है, तो लिखे यहाँ पर इमल्सीफिकेशन ऑफ फैट यानी वसा का इमल्सीकरण कर रहा है। इमल्सीकरण यह करता है, वसा का इमल्सीकरण यह करता है यानी कि जो भी यहाँ पर आप लोग वसा खाते हो, जो भी फैट खाते हो उसको पूरी तरीके से डाइजेस्ट करने का काम यह यहाँ पर करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम यहाँ पर पढ़ते हैं। फर्न किससे बिलोंग करता है, अगर आप फर्न के बारे में बात करते हैं तो जो भी यहाँ पर फर्न होता है वह किससे बिलोंग करता है, मतलब किससे वह यहाँ पर संबंधित होता है। चलिए जल्दी से इसका आंसर करें। नमस्ते बेटा, सभी को नमस्ते, प्रणाम। सभी बच्चे बताइए फटाफट से इसका आंसर करेंगे, कौन सा आंसर यहाँ पर हमारा सही बनना चाहिए, बताइए फटाफट से इसका आंसर करिए। तो फर्न की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो जो भी हमारा फर्न होता है वह किससे संबंधित है, थैलोफाइटा से संबंधित होता है, ठीक है। किससे संबंधित होता है, थैलोफाइटा। एक सेकेंड रुकना, रुको एक मिनट। जो भी आपका फर्न होता है वह टेरिडोफाइटा से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है, टेरिडोफाइटा से यहाँ पर संबंधित होता है। तो फटाफट से नोट करेंगे कि डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, टेरिडोफाइटा, ठीक है। ये गलत लिख दिया है यहाँ पर, इसको काट दो, ठीक है। डी ऑप्शन होगा, टेरिडोफाइटा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब सबसे पहले आप लोगों को एक चीज यहाँ पर ध्यान में रखना है कि जब कभी भी हम प्लांट किंगडम के बारे में बात करते हैं, किसके बारे में, प्लांट किंगडम के बारे में बात करते हैं, तो जितने भी जीव मतलब जितने भी पौधे होते हैं उनको हम कितने तरीके से बांट के पढ़ते हैं, पांच तरीके से बांट के पढ़ते हैं, ठीक है। पहला जो भाग यहाँ पर होता है उसको क्या कहा जाता है यहाँ पर, तो आंसर करना पहले नंबर पर आता है एल्गी यानी कि शैवाल, ठीक है। दूसरे नंबर पर आता है यहाँ पर ब्रायोफाइटा, ठीक है, ब्रायोफाइटा, ओके। तीसरे नंबर पर क्या आता है आपका यहाँ पर, टेरिडोफाइटा। तो नेक्स्ट आपका आ जाएगा टेरिडोफाइटा, ठीक। उसके बाद आपका आ जाता है यहाँ पर चौथे नंबर पर, जिसे हम कहते हैं जिम्नोस्पर्म। क्या कहते हैं, जिम्नोस्पर्म। और उसके बाद आ जाता है यहाँ पर एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो फटाफट से इसको नोट करो। तो जैसे सबसे पहले अगर हम पौधों के बारे में बात करते हैं तो जो सबसे सरलतम पौधा होता है वह क्या होता है, तब आपको आंसर करना है कि सबसे सरलतम पौधा एल्गी यानी कि शैवाल होता है। दूसरे नंबर पर उससे थोड़ा सा विकसित कौन सा होता है, तो आंसर आपको करना है ब्रायोफाइटा होता है। और जो ब्रायोफाइटा होता है वह और क्यों यहाँ पर फेमस है, तो आंसर करेगा कि ब्रायोफाइटा की अगर हम बात करें तो इसे हम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम यानी पादप जगत का उभयचर भी यहाँ पर कहते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर आपका आता है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा की अगर हम बात करें तो इसे पादप जगत का सरीसृप यहाँ पर कहा जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, तो ये काफी विकसित जीव यहाँ पर होते हैं। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा थैलोफाइटा, तो ये ऐसा क्यों हो गया, थैलोफाइटा पे क्यों हो गया, क्योंकि डी बता रही थी मैं, पर यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो सी ऑप्शन यहाँ पे लिखा है, पर डी ऑप्शन इसका सही है, डी ऊपर लिखा है, इसीलिए मैंने इसको काट दिया है, ठीक है। तो इस चीज को समझना। अब थैलोफाइटा का क्या यहाँ पर मतलब होता है,
थैलोफाइटा की अगर हम बात करें तो जैसे एल्गी होता है, या फिर अगर हम बात करते हैं फंजाई के बारे में, कवक के बारे में, तो इसे क्या कहा जाता है? थैलोफाइटा। थैलोफाइटा की अगर हम बात करें तो थैलोफाइटा एक इस तरह का पौधा होता है जिसमें बॉडी डिफरेंशिएट आप नहीं कर सकते हो। यानी कि अगर आप किसी भी पौधे को देखें तो पौधे के जो भाग होते हैं कि पत्ती कहाँ है, जड़ कहाँ है, तना कहाँ है, इसको आप अलग से डिवाइड करके नहीं पढ़ सकते हैं। और इस तरह के पेड़ पौधों को क्या कहा जाता है यहाँ पर? तो आंसर करना जो थैलोफाइटा, इसको कहा जाता है। अब एल्गी तो पौधा है, लेकिन क्या फंजाई यानी कि कवक भी क्या पौधा होता है? आंसर करना नहीं, यह पौधा नहीं होता है। पर इसको हम थैलोफाइटा के अंदर रख लेते हैं, पर जो कवक होता है, जो फंजाई होता है, वह कोई पौधा नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता और ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, और इसीलिए जो भी यहाँ पे फंजाई होते हैं, जो भी कवक यहाँ पर होते हैं, वह मृतोपजीवी होते हैं, यानी सैप्रोफाइट्स होते हैं, जो सड़े गले अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनके ऊपर भोजन अपना यापन यहाँ पर करते हैं। तो इस चीज को आप ध्यान यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं, पर उससे पहले जिन बच्चों ने अभी तक विजय पथ बैच नहीं लिया है, और अगर आप सभी एसएससी सीएचएसएल 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो विजय पथ आप जरूर ले लीजिएगा। और यहाँ पर आप देखेंगे कि अभी 60% तक डिस्काउंट चल रहा है। अभी यहाँ आप लोगों को CHSL 60 कोड यूज करने से 599 रुपए में आप लोगों को उपलब्ध हो जाएगा। साथ में आपको लाइव क्लासेस, क्लास पीडीएफ, डेली प्रैक्टिस पेपर, टेस्ट सीरीज और जो सेक्शनल टेस्ट है, डाउट सॉल्विंग सेशन है, सब कुछ आप लोगों को यहाँ पर मिल जाता है। साथ में ही जिन बच्चों को यहाँ पर नोट्स के कम्प्लीट पैक चाहिए, उनको 999 में यह उपलब्ध हो जाएगा। साथ में ही अगर आप देखें एसएससी जीडी की आप लोग तैयारी कर रहे हो, तो एसएससी जीडी कांस्टेबल 2022 मास्टर्स टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए आ चुकी है, जहां पर आप देखेंगे कि 21 फुल टेस्ट, मॉक टेस्ट आप लोगों को मिल जाता है और यह सिर्फ ₹1 में उपलब्ध है। इसके लिए आप सभी हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं कि किस तरीके से आप लोगों को ₹1 में एसएससी जीडी कांस्टेबल 2022 पूरा यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कुछ बच्चे यहाँ पर कह रहे हैं कि मैम इसकी जो पीडीएफ है, जो आप पढ़ाते हैं, उसकी पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी? तो बच्चों आप लोग एक चीज यहाँ पर ध्यान में रखना कि इसकी जो पीडीएफ है वह एग्जाम अमृता मैम एग्जामपुर नोट्स, ऐसा टेलीग्राम चैनल बनाया गया है एग्जामपुर की तरफ से, आपको वहां पर मिल जाएगी। ठीक है, और फ्री मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंटीबायोटिक्स का आविष्कार किसने यहाँ पर किया था? बताओ जल्दी से इसका आंसर करो। कौन सा आंसर यहाँ पर आपका सही होना चाहिए? Who invented the antibiotics? चलो बच्चों जल्दी से इसका आंसर करेंगे, कौन सा आंसर यहाँ पर हमारा सही होना चाहिए? एंटीबायोटिक्स का आविष्कार किसने यहाँ पर किया था? अब देखिए, आप सभी को यह बात तो बहुत अच्छे से पता होगी कि पहली जो एंटीबायोटिक है उसका क्या यहाँ पर नाम है, और आप सभी को पता है कि जो पेनिसिलियम है वही यहाँ पर एक कवक है, और कवक से ही पेनिसिलिन यहाँ पर बनाई गई थी। किससे बनाई गई थी? पेनिसिलिन बनाई गई थी, और जो पेनिसिलिन बनाई गई थी वही क्या है यहाँ पर, एक एंटीबायोटिक की तरह काम यहाँ पर करती है। और इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? तो आंसर करना, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही सबसे पहले इसकी खोज यहाँ पर की थी। एक चीज और आप लोगों को यहाँ पर ध्यान में रखना है कि जो भी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है उनसे अकस्मात ही इसकी खोज हो गई। ठीक है, दूसरे नंबर पर एक चीज और ध्यान रखिएगा कि इससे क्या करते हैं। अगर आप एंटीबायोटिक के बारे में बात करें तो यह किस प्रकार की औषधि होती है जो क्या काम करेगी? बैक्टीरिया को मारने का काम यहाँ पर करेगी, यानी यह जीवाणु रोधी होती है। कैसी होती है? जीवाणु रोधी यह होती है, जीवाणुओं को मारने का काम यह यहाँ पर करती है। ठीक है, साथ में आपको यह भी यहाँ पर ध्यान में रखना है कि सबसे पहले कौन सी बैक्टीरिया को यहाँ पर मारा गया था? तो स्टेफाइलोकोकस नाम की बैक्टीरिया थी। कौन सी थी यहाँ पर? स्टेफाइलोकोकस नाम की बैक्टीरिया थी जिसको सबसे पहले यहाँ पर मारा गया था। ठीक है, और बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो उनके शेप के ऊपर भी काफी प्रश्न पूछा जाता है, आकार के ऊपर भी काफी प्रश्न पूछा जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा स्टेफाइलोकोकस, तो यह नाम देकर के आप लोगों से पूछ लिया जाएगा कि इस बैक्टीरिया की जो शेप है, जो आकार है, वह किस तरीके का होगा। तो ध्यान दीजिएगा कि कोकस, जहां पर भी कोकस शब्द आता है उसका मतलब क्या होता है? गोल, स्फेरिकल, यानी गोलाकार बैक्टीरिया जो होंगी उनको हम
कोकस या फिर कोकाई यहाँ पर कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पर बैसिलस। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस। तो जैसे बैसिलस, बैसिलस शब्द किसके लिए यूज किया जाता है? जो छड़ नुमा आकृति की होती है, यानी रॉड शेप की जो बैक्टीरिया होती है, उनके लिए हम लोग बैसिलस शब्द का यूज करते हैं। इसी तरीके से एक आता है विब्रियो। क्या आता है एक शब्द? विब्रियो। तो जो कोमा के आकृति की बैक्टीरिया होती है, कोमा जिसको आप अर्ध विराम भी कहते हैं, इस आकृति की जो बैक्टीरिया होती है उनको हम सभी क्या कहते हैं? विब्रियो यहाँ पर कहते हैं। इसी के अलावा आता है यहाँ पर स्पाइरल। स्पाइरल मतलब होता है स्प्रिंग की तरह, कुछ इस शेप की अगर बैक्टीरिया है तो उसको क्या कहा जाएगा? स्पाइरल यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी आप लोगों से प्रश्न यहाँ पर पूछा जाता है। ठीक है बेटा, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं। आंतों की बैक्टीरिया मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण करती है? चलिए जल्दी से इसका आंसर करेंगे फटाफट से। कौन सा आंसर यहाँ पर हमारा सही होना चाहिए? तो क्या कह रहा है यहाँ पर कि इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया सिंथेसाइज विच ऑफ द फॉलोइंग द ह्यूमन बॉडी। कौन सा विटामिन यहाँ पर बनाती है जो भी आंतों में यहाँ पर बैक्टीरिया आपको देखने के लिए मिलती है, और इसका जो सही यहाँ पर आंसर बनेगा वह क्या है? विटामिन के। तो फटाफट से नोट करेंगे यहाँ पर कि अगर आप विटामिन के बारे में बात करें तो जो भी हमारी इंटेस्टाइन होती है यहाँ पर जो बैक्टीरिया पाई जाती है वह क्या काम करती है? विटामिन के बनाने का काम यहाँ पर करती है। एक चीज और आप लोगों को यहाँ पर ध्यान में रखना है कि जो भी विटामिन के होता है वह ब्लड क्लॉटिंग में भी काफी ज्यादा मदद करती है। तो फटाफट से नोट करिएगा कि यह ब्लड क्लॉटिंग में भी बहुत ज्यादा मदद करती है, यानी रक्त का थक्का जमाने में भी यह मदद करती है। ठीक है, तो फटाफट से इसको नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं कि डैश इज द स्टडी ऑफ द फिजिकल फॉर्म एंड द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट। अगर कोई भी हमारे पास यहाँ पर पौधा है तो पौधा का जो भौतिक रूप है या जो बाहरी संरचना है वह किसके अध्ययन को यहाँ पर कहा जाता है? मतलब अगर आप फिजियोलॉजी, एनाटॉमी या फिर फाइटोमोर्फोलॉजी, साइटोलॉजी, इन सभी की अगर हम बात करें तो भौतिक रूप से अगर आप अध्ययन करना चाहते हैं तो उसको क्या यहाँ पर कहा जाता है? चलो जल्दी से इसका आंसर करेंगे फटाफट से। कौन सा आंसर यहाँ पर सिक्स का सही होना चाहिए? और इसका जो सही यहाँ पर आंसर बनेगा वह क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जल्दी से नोट करिएगा सी ऑप्शन। अब फाइटोमॉर्फोलॉजी ये क्या है? कुछ बच्चे कहेंगे मैम ये तो हम पहली बार पढ़ रहे हैं। नहीं बेटा, आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है। अगर हम यहाँ पर मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करते हैं तो मॉर्फोलॉजी का क्या मतलब होता है? स्टडी ऑफ द एक्सटर्नल फीचर्स। कोई भी यहाँ पर जीव है, कोई भी प्राणी है, चाहे वो पौधा हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो कोई भी हो, वो बाहर से किस तरीके का दिखाई देता है और उसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजी यहाँ पर कहते हैं। क्वेश्चन आपका है यहाँ पर प्लांट्स के बारे में, पौधों के बारे में, तो इसीलिए इन्होंने फाइटो शब्द यहाँ पर लगा दिया, और फाइटो लगा दिया इसका मतलब पौधे की मॉर्फोलॉजी, और इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। एक चीज और आप लोगों को ध्यान यहाँ पर रखना है कि जब हम बात करते हैं फिजियोलॉजी के बारे में, किसके बारे में बात कर रहे हैं? फिजियोलॉजी के बारे में बात करते हैं, तो फिजियोलॉजी का क्या मतलब होता है कि कार्य की, किस तरीके से वो काम कर रहा है, आपके अंदर अलग अलग सिस्टम्स हैं, आपके अंदर अलग अलग तंत्र हैं, वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, इन सभी की अगर हम यहाँ पर बात करें तो वह किस तरीके से काम कर रहा है। नेक्स्ट आता है एनाटॉमी। एनाटॉमी को हम कहते हैं शरीर रचना विज्ञान, यानी कि आपका इंटरनल स्ट्रक्चर किस तरीके का है, आंतरिक अंग किस तरीके के हैं, आपका ब्लड कैसा है, ठीक है, आपका रक्त कैसा है, आपका आमाशय कैसा है, आपकी कोशिका कैसी है, और इसी की तरह आपका जो टिश्यू है वह किस तरीके से काम कर रहा है, बोन किस तरीके का है, उसकी अगर हम यहाँ पर बात करें तो वह क्या कहलाता है? एनाटॉमी कहलाता है। साइटोलॉजी की अगर हम बात करें तो स्पेशली जब हम कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं, स्पेशली सेल की स्टडी हम यहाँ पर करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी यहाँ पर कहा जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन किडनी की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। अगर आप सभी किडनी के बारे में बात करते हैं तो किडनी की कौन से यहाँ पे स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट यहाँ पर होती है? चलो जल्दी से इसका आंसर करेंगे फटाफट से। कौन सा आंसर यहाँ पर आपका सही होना चाहिए बताइए फटाफट से इसका आंसर करिए। फर्स्ट है यहाँ पर आपका रेनेटिव सेल्स,
फ्लेम सेल्स या फिर नेफ्रॉन्स। और ये बात तो सभी को यहाँ पर पता होगा, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, नेफ्रॉन यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो फटाफट से नोट करेंगे, डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, क्योंकि किडनी की अगर हम बात करें तो किडनी में आपको क्या मिलेगा देखने के लिए, नेफ्रॉन यहाँ पर मिलेगा। और जो भी यहाँ पर नेफ्रॉन होता है वही ब्लड का क्या करता है, फिल्टर करता है, और वहां पर आपको जो यूरिया है वह छनता हुआ दिखाई देता है, यूरिन बनता है, मूत्र यहाँ पर बनता है और फिर वह बाहर की तरफ निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, चलो जल्दी से इसका आंसर करेंगे फटाफट से, कौन सा आंसर यहाँ पर आपका सही होगा। ह्यूमन ब्रेन की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ह्यूमन ब्रेन तीन भागों में बटा है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, यानी अग्रभाग, मध्य भाग, पश्च भाग। तो जो अग्रभाग होता है, जो यहाँ पर आपका फोरलिंब होता है, वो सबसे बड़ा होता है, और उसमें भी सबसे बड़ा कौन सा होता है, सेरेब्रम होता है। तो अगर आप सभी सेरेब्रम के बारे में बात करते हैं तो जो सेरेब्रम है वह सबसे बड़ा भाग होता है। तो फटाफट से नोट करेंगे, बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। सेरेब्रम को कई बार प्रमस्तिष्क के नाम से भी जाना जाता है और यही सबसे बड़ा भाग होता है हमारे पूरे ब्रेन का। अगर आपसे कभी यह पूछा जाए कि दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा कौन सा होता है, तब आपको आंसर करना है सेरेबेलम। क्या आंसर करना है, सेरेबेलम। तो सेरेबेलम जो होता है उसको हम हिंदी में अनुमस्तिष्क भी कहते हैं और यह दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा होता है। इस चीज को आप लोग यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। एक चीज और मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूं बच्चों कि जो भी यहाँ पर हमारा सेरेबेलम होता है वो हमारी ऐच्छिक क्रियाओं यानी जो हमारी इच्छा शक्ति से हो सकता है उन सभी को कंट्रोल करता है, बैलेंस यहाँ पर करता है। जबकि अगर हम बात करते हैं सेरेब्रम के बारे में तो हमारा जो IQ लेवल कितना है यानी हमारा जो इंटेलिजेंसी क्वेश्चन है वह कितना है, हम कितने बुद्धिमान है, साथ में ही रीजनिंग, तार्किक शक्ति, इन सभी का सेंटर कहाँ पर होता है, सेरेब्रम में। इसके अलावा मेमोरी, अच्छी यादें, बुरी यादें, इन सभी का सेंटर कहाँ है, सेरेब्रम में होता है। और हम कितने जीवंत हैं, हम कितने कॉन्शियस है, चेतना शक्ति हमारी कितनी है, इसका भी सेंटर कहाँ पर होता है, सेरेब्रम में ही होता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है कि द एक्सिलरी बर्ड्स, अगर आप सहायक कलियों के बारे में बात करें तो यह किनको यहाँ पर कहा जाता है, यह किनको यहाँ पर कहा जाता है। चलो जल्दी से इसका आंसर करेंगे फटाफट से, कौन सा आंसर यहाँ पर नाइन्थ का सही होना चाहिए, बताइए फटाफट से जल्दी से इसका आंसर करिएगा। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो हमारा आंसर यहाँ पर बनेगा वह क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सबसे पहले तो नोट कर लीजिए यहाँ पर कि जो सी ऑप्शन है वह बिल्कुल हमारा यहाँ पर सही है, ठीक है, फटाफट से इसको नोट करो कि जो सी ऑप्शन है वह बिल्कुल हमारा यहाँ पर सही है कि भाई जो पत्ती की धुरी होती है यानी कि इट इज अ एम्ब्रियोनिक शूट लोकेटेड इन द एक्सिल ऑफ द लीफ। आप लोगों ने क्या देखा होगा कि इस तरीके से पत्तियां उग रही हैं, ठीक है, तो पत्तियों के नीचे की तरफ यहाँ पर या फिर ऊपर की तरफ अगर पत्ती उग रही है इस तरीके से तो यहाँ नीचे की तरफ आपको क्या दिखाई देता है, छोटी छोटी सी बर्ड, छोटी छोटी सी कलिकाएं यहाँ पर दिखाई देती हैं, ठीक है, तो इस चीज को ध्यान यहाँ पे रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग है, आप जल्दी से इसका आंसर करेंगे, बताइए फटाफट से जल्दी से इसका आंसर करिएगा। अब यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा यहाँ पर विषाणु जनित रोग है, यहाँ पर कौन सा वायरल डिजीज है, विषाणु से होने वाला कौन सा रोग यहाँ पर होता है। पहला होता है पोलियो, दूसरा है टिटनेस, तीसरा है कुष्ठ रोग और फिर है यहाँ पर प्लेग का रोग। चलो जल्दी से इसका आंसर करेंगे, कौन सा आंसर यहाँ पर हमारा सही होना चाहिए, ठीक है। बेटा कल ना कुछ टेक्निकल इश्यू हो गया था सचिन, इस वजह से क्लास पूरी ही नहीं हो पाई, मतलब स्टार्ट ही नहीं हो पाई थी, नहीं हो पाई क्लास कल, ठीक है, परेशान मत हो, कभी कभी ऐसा होता है, 5-6 महीने वैसे तो रेगुलर ही मेरी क्लास होती है, बट साल में कभी एक दो बार ऐसा हो जाता है कि टेक्निकल इश्यू की वजह से क्लास नहीं हो पाती है, ठीक है, क्लियर है। चले अब इसका जो सही यहाँ पर आंसर बनेगा वह क्या है, पोलियो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से इसको नोट करेंगे कि जो ए ऑप्शन है वह बिल्कुल हमारा यहाँ पर सही है। सबसे पहले अगर आप बात करते हो पोलियो के बारे में तो जो भी आप लोगों का यहाँ पर पोलियो है वह किसकी वजह से हो रहा है, वायरस की वजह से हो रहा है और वह क्या कहलाता है, यहाँ पर पोलियो वायरस ही कहलाता है। दूसरे नंबर पर आपको ध्यान में रखना है कि जो भी पोलियो होता है वह वॉटर बॉर्न है यानी जल जनित रोग होता है,
जल जनित रोग यह होता है। दूसरे नंबर पर अगर आप छोटे बच्चों को देखो, 5 साल या 5 साल से छोटे बच्चों को अगर आप यहाँ पर देखो, तो उनको अगर आप यहाँ पर देखोगे तो उनको यह रोग जल्दी हो जाता है। और साथ में ही जो नर्वस सिस्टम होता है, जो तंत्रिका तंत्र होता है, उसको क्या करता है यह यहाँ पर नुकसान पहुंचाता है, उसको क्षति यहाँ पर यह पहुंचाता है। ठीक है, तो इस चीज को आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट चीज और आप लोगों को ध्यान में रखना है कि पोलियो के ऊपर सबसे पहले जो वैक्सीन है, जो टीका है, वह किसने यहाँ पर बनाया था, ये भी आपसे प्रश्न कई बार पूछा जाता है। तब आपको क्या आंसर करना है यहाँ पर, एक तो थे सेबिन, ठीक है, और दूसरे कौन थे यहाँ पर, ये सीता को क्या हो गया है भैया। पहली चीज तो ये है, सीता अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप अपने भाई से शादी कर लो, तो क्या ये उचित है? नहीं है ना। दूसरी चीज, क्या यह एक शादी.com है जहां पे आकर के आप लोगों का रिश्ता बना रही हो, ये भी बात ठीक नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज, आप सभी को पता है, इनफेक्ट सभी को ही पता है कि विवेक सर मुझे अपनी छोटी बहन मानते हैं, सभी को पता है, तो फिर आप इस तरह की बातें क्यों यहाँ पर लिख रही हो, आपको शर्म नहीं आती इस तरह की बातें लिखते हुए? आप कुछ भी लिखोगी क्या, या जो भी हो, नाम बदल करके आप यहाँ पे लिख रही हो, या जो भी हो, मतलब आप जो भी हो, एक्स वाई जेड, लड़का हो, लड़की हो क्या नहीं हो वो आप ही जानते हो, या कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि लोगों को बदनाम करके, परेशान करके खुश रहता है आप, या फिर वो हो, कोई भी हो सकते हो आप। ठीक है, तो एक बात बताओ बेटा कि इस तरह का लिखने का क्या मतलब है? आप किसी की शादी किसी से भी करा दोगे? आप किसी भाई बहन की आपस में शादी करा दोगे क्या? और दूसरी बात भैया, जैसा कि मैंने कहा था, मेरी शादी होने वाली है, रिलैक्स रहो, मार्च अप्रैल तक हो जाएगी अगर ऊपर वाले ने चाहा तो, सब अच्छे से बात चल रही है। ठीक है, आना धूम धड़ाके से, शादी में खाना खा के भी जाना, पर इस तरह की बातें मत करो बेटा, अच्छा नहीं लगता। एक ही चीज बार बार आप लोगों को समझाएंगे, ये सब चीजें अच्छी थोड़ी लगती है। फिर अब हर जगह क्या ये क्या बोलते हैं, हर जगह क्या मैं यहाँ पे चिपका के घूमू? नहीं ना, बस तो फिर पढ़ाई पे ध्यान दो। और दूसरी चीज यहाँ पर एक चीज और बता दूं कि देखो, ये शादी ब्याह ये सारी चीजें जब होंगी तो आपको पता लग जाएगा, आपको मैं बता दूंगी खुद से। ठीक है, मेरी जिंदगी में जो भी होता है सबको पता होता है, जो भी मैं करती हूँ सबको पता होता है। ठीक है, तो रिलैक्स रहो। यहाँ तक कि बच्चों को ये भी पता होता है कि कल शाम को मैम कहाँ पर थी, क्या खरीद के लेके, इतना भी बच्चों को पता होता। मैं कुछ बात नहीं छुपाती क्योंकि मैं परिवार समझती हूँ, पर इसका ये मतलब नहीं है ना बेटा कि आप कुछ भी कमेंट करोगे। ठीक है, चलो आगे से ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट जो आपका है यहाँ पर टिटनेस। टिटनेस की अगर हम, और बच्चे हर चीज और है यहाँ पर कि देखो, कुछ चीजें होती हैं आप प्रभावित होके कह देते हो, आपको मैं बहुत अच्छी लगती हूँ, सर बहुत अच्छे लगते हैं, या कोई और मैम बहुत अच्छी लगती है, आप प्रभावित होके भी इस तरह की बातें करते हो। पर बेटा इस तरह की बातें करते हो ना, उसका हमारे निजी जिंदगी में बहुत गलत असर पड़ता है। और आप सभी तो पढ़ने के लिए आए हो, तो पढ़ाई किया करो। ठीक है, इस तरह की बातें मत किया करो, अच्छा नहीं लगता। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अब टिटनेस की अगर हम यहाँ पर बात करें, तो टिटनेस जो होता है आपका, वो तो बैक्टीरिया से होता है, बात पोलियो की चल रही थी। तो पोलियो की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, तो जो भी आपका पोलियो होता है वह किसकी वजह से होता है, तो आंसर करना वैक्सीन की वजह। मैम कितने बजे, एन के यादव सीरियसली बताओ, मुझे नहीं पता किस टीचर की क्लास कब होती है, मुझे नहीं पता है। ठीक है, मैं टाइम टेबल नहीं बनाती बेटा, ना ही मेरा और मैडम और सर लोगों से मिलना जुलना हो पाता है, क्योंकि होता यह है कि सुबह से लेकर रात तक मेरी कंटिन्यू क्लास चलती है, तो मुझे नहीं पता कि किसकी क्लास कब यहाँ पर होती है। ठीक है, मुझे सिर्फ अपना पता होता है, और मुझे इतना टाइम ही नहीं है कि मैं यहाँ पे सबका टाइम टेबल चेक करूं, क्योंकि ऐसा कोई यहाँ पे कुछ है भी नहीं कि टाइम टेबल यहाँ पर पता लगेगा। ठीक है, तो पढ़ाई पे ध्यान रखो, अब शांत हो जाओ सबके सब, पढ़ाई कर लो, नहीं तो मैं क्लास बंद कर दूंगी। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। पोलियो की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, तो यहाँ पर आते हैं डॉक्टर
जॉन सर्क। कौन आते हैं? डॉक्टर जॉन सर्क। और इन्होंने ही यहाँ पर क्या काम किया था, सबसे पहले इन्होंने ही वैक्सीन यहाँ पर बनाया था, टीका यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर बनाया था, ठीक है। दूसरे नंबर पर हम यहाँ पर बात करते हैं, एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था डॉक्टर अल्बर्ट सेबिन। क्या नाम था? डॉक्टर अल्बर्ट सेबिन। और इन्होंने क्या दिया था यहाँ पर? ओरल वैक्सीनेशन दिया था। क्या दिया था? ओरल वैक्सीनेशन, जिसको आप लोग यहाँ पर क्या कहते हो, ओरल ड्रॉप्स के नाम से भी यहाँ पर जानते हो, जो आप कहते हो ना दो बुन जिंदगी के, वो भी किसने दिया था यहाँ पर? अल्बर्ट सेबिन ने ही यहाँ पर दिया था, ठीक है। हाँ प्रतिमन, आप पढ़ सकते हो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं। हृदय का संकुचन क्या यहाँ पर कहलाता है? हृदय का संकुचन क्या यहाँ पर कहलाता है? बताइए जल्दी से इसका आंसर करिएगा, कौन सा आंसर यहाँ पर आपका सही बनना चाहिए बताइए। अब देखिए, अगर आप सभी अपने हृदय के बारे में बात करते हैं, तो जो भी आपका यहाँ पर हृदय होता है वह कैसा होता है? संकुचन होता है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट होता है। जब आप देखोगे कि आपका हृदय कैसा हो रहा है, संकुचित हो रहा है, अंदर की तरफ सिकुड़ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर प्रेशर ज्यादा लग रहा है। और जब यहाँ पर प्रेशर ज्यादा लग रहा है तो इसे हम कहते हैं सिस्टोल फेज। क्या कहते हैं? सिस्टोल फेज। और इसी के टाइम पर कैसा साउंड आता है? लब साउंड आता है। कैसा साउंड आता है? लब साउंड आता है। और जब हृदय से रक्त को बाहर निकाल दिया जाता है तो हृदय आपका रिलैक्स हो जाता है, और जब रिलैक्स हो जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? डायस्टोल कहा जाता है। और इस टाइम पर कैसा साउंड आता है? डब साउंड आता है। कैसा? डब, डब साउंड आता है। तो लब डब, लब डब, ऐसे ही साउंड आता है। तो ये जो धुक 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 कहते हो ना, ये एक्चुअली में क्या हो रहा है? लब डब ऐसा साउंड यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं, पर उससे पहले बता दूं कि सिस्टोल और डायस्टोल क्या होता है? कार्डिक साइकिल की फेज होती है, और साथ में ही लब डब जो साउंड आ रहा है इसको कार्डिक साउंड यानी हृदय ध्वनियों के नाम से यहाँ पर जाना जाता है, ठीक है। तो इस चीज को यहाँ पे ध्यान रख लीजिए। सीता कह रही कि सोनम मैम के शादी का, भाई सीता तुमने क्या ठेका ले रखा है? मैं तुम्हें अभी ब्लॉक करवा दूं, दो मिनट लगेंगे मुझे यहाँ पर ब्लॉक कराते हुए। कैसी बेवकूफों वाली बात यहाँ पर कर रही हो, इस लड़की को ब्लॉक कराते हैं, रुको। यहाँ पे कोई है? ये सीता राजपूत की लड़की है, वो सबके शादी करवा मेरी चलो, तो फटाफट से इसको यहाँ पे नोट कर लो, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आजादी रचिता इंडिकेटा इज द बॉटनिकल नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। अब हम यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि आजादी रचिता इंडिका निम्नलिखित में से किसका यहाँ पर वैज्ञानिक नाम है? चलो जल्दी से इसका आंसर करो यहाँ पर, और इसका जो सही यहाँ पर आंसर बनेगा वह क्या हो जाएगा? नीम यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फटाफट से इसको नोट करिएगा कि जो आंसर यहाँ पर बनेगा वह क्या होगा? सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाचन का मुख्य अंत उत्पाद है? यानी कि जब कभी भी हम कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के बारे में बात करते हैं, इसके पाचन के बारे में यहाँ पर बात करते हैं, तो पाचन के बाद सबसे लास्ट में क्या यहाँ पर बनता है? चलिए जल्दी से इसका आंसर करेंगे, कौन सा आंसर यहाँ पर हमारा सही होना चाहिए बताइए। फटाफट से इसका आंसर करिएगा, 13 का कौन सा आंसर यहाँ पर हमारा सही बनेगा? और आंसर की अगर हम बात करें तो आंसर क्या बन जाएगा? ग्लूकोज। आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पर? ग्लूकोज। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है, सबसे सिंपल यह कार्बोहाइड्रेट है। और एक चीज और यहाँ पर ध्यान में रखना कि नॉर्मल तौर पर अगर हम देखें तो हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जो कार्बोहाइड्रेट है वह कौन सा होता है? ग्लूकोज ही यहाँ पर होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज ए सोर्स ऑफ द एंजाइम टाइलिन। यहाँ पे कह रहा है कि ऐसे कौन से यहाँ पर ग्रंथि है जो कि टाइलिन नाम के एंजाइम को निकालती है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो ऐसी ग्लैंड है जो कि एंजाइम्स निकाल रही है, जूसेस निकाल रही है, उसे हम कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। क्या कहते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड यानी बाह्य श्रावी ग्रंथि के रूप में हम यहाँ पर जानते हैं। और टाइलिन कहाँ पर पाया जाता है? तो आंसर करना, टाइलिन तो पाया जाता है हमारे सलाइवा में,
कहाँ पर पाया जाता है? हमारे सलाइवा में यानी लार में पाया जाता है। इसका साफ मतलब है कि इसे कौन निकाल रहा होगा? लार ग्रंथि यहाँ पर निकाल रही होगी। और एक चीज और यहाँ पर ध्यान में आपको रखना है कि जो भी आपका टाइलिन होता है वह क्या करता है, तो जो कुछ भी कार्बोहाइड्रेट है उसका पाचन करता है, खास तौर से जो स्टार्च है उसका पाचन करता है और माल्टोज बनाने का काम यहाँ पर करता है। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जो भी यहाँ पर लार ग्रंथियां होती हैं, यह तीन जोड़ी में होती हैं। कितनी जोड़ी में? तीन जोड़ी में यह होती हैं। नंबर फर्स्ट पेरोटिड ग्लैंड, जो कि सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। दूसरे नंबर पे सब मैंडिबुलर और साथ में सब लिंगुअल। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान यहाँ पे रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, टेरिडोफाइटा के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है? चलो बच्चों जल्दी से इसका आंसर करेंगे। ठीक है सच्चिदानंद, नमस्ते बेटा, नमस्ते, सभी को नमस्ते। बताओ जल्दी से इसका आंसर करो, क्या हो गया एलपी, क्यों परेशान हो? बताओ जल्दी से इसका आंसर करो, कौन सा आंसर यहाँ पर आपका सही बनना चाहिए? तो यहाँ पर कह रहा है कि टेरिडोफाइटा के बारे में क्या यहाँ पर सही नहीं है। नंबर फर्स्ट कि यह एक सैप्रोफाइट्स की तरह जीवन जीता है, इसकी जो बॉडी होती है वो डिप्लॉयड होती है, सीड प्रेजेंट होते हैं, फ्लावर एब्सेंट होते हैं, और इसका जो सही यहाँ पर आंसर बनेगा वह क्या हो जाएगा? तो आंसर करना सीड आर प्रेजेंट। ये बात यहाँ पर गलत लिखी गई है, क्योंकि अगर आप एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर कभी भी बीज नहीं बनते हैं, तो इस चीज को यहाँ पर ध्यान में रखना। ठीक है, तो फटाफट से नोट करो, सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट डॉल्फिन स्पीशीज इज द ओर्का, ऑल्सो कोल्ड एस। आप सभी को पता होना चाहिए कि सबसे बड़ी जो डॉल्फिन प्रजाति होती है, डॉल्फिन आप सभी को पता है। अच्छा डॉल्फिन क्या है? एक मछली है, या फिर एक उभयचर है, एक सरीसृप है, एक पक्षी है, या फिर एक मैमल है? जल्दी से मुझे यहाँ पर बताओ, जल्दी से, सभी के कमेंट देख रही हूँ मैं, जब तक बताइए फटाफट से इसका आंसर करिए, कौन सा आंसर आपका सही होना चाहिए जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों का यहाँ पर पूछा है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को यह बात पता होनी चाहिए कि जो सबसे बड़ी डॉल्फिन की प्रजाति होती है वह क्या होती है? ओर्का। और जो प्रजाति है उसको क्या कहा जाता है? किलर व्हेल भी यहाँ पर कहा जाता है। तो फटाफट से नोट करिएगा कि इसे क्या कहा जाता है यहाँ पर? किलर व्हेल भी इसे यहाँ पर कहा जाता है। बताओ अब जल्दी से आंसर करो, दिमाग को तेज करने वाली मेडिसिन बता दीजिए। बेटा इसके लिए यही है कि आप बार 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 रिविजन करिए। ठीक है, अब बताइए, जल्दी बताइए, डॉल्फिन इज अ फिश और मैमल, यानी कि जो डॉल्फिन है वह एक मछली है या फिर वह एक मैमल होती है? बताओ जल्दी से इसका आंसर करो, और इसका जो सही यहां पर आंसर बनेगा वो है कि भाई जो डॉल्फिन होती है वह एक मैमल होती है, यानी एक स्तनधारी प्राणी होती है। पर बेचारी रह कहां पर रही है? पानी में रह रही है। तो व्हेल और डॉल्फिन दोनों ही मैमल है, पर रहते कहाँ पर है? पानी में रहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं। द फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम लाइपेज इज सिक्रेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, वसा को पचाने वाला जो एंजाइम होता है उसको क्या कहा जाता है? लाइपेज कहा जाता है। क्या कहा जा रहा है? लाइपेज कहा जाता है। और यह कहाँ से निकलता है? यह कहाँ से निकलता है? ठीक है अश्विनी, बहुत अच्छे, बताइए जल्दी से इसका आंसर करिए। पहला है कि यह किडनी से निकलता है, पैंक्रियास से निकलता है, या फिर लार्ज इंटेस्टाइन से निकलता है, या फिर लीवर से यह निकलता है। और इसका जो सही यहाँ पर आंसर बनेगा वो है पैंक्रियास से निकलता है, अग्नाशय से निकलता है, और इसके साथ ही यह कुछ मात्रा में स्टमक यानी आमाशय से भी निकलता है। ठीक है, और दोनों से निकलता है। और क्या करता है यह? तो आंसर आपको करना है कि जो भी फैट है, जो भी यहाँ पर वसा है, जैसे घी खाते हो, तेल खाते हो, है ना, रिफाइंड ऑयल खाते हो, डालडा खाते हो, तो उन सभी से आपके शरीर में पहुंचता है, तो उसे पचाने में यह यहाँ पर मदद करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द अरेंजमेंट ऑफ द लीव्स ऑन एन एक्सिस ऑन और द स्टेम, यहाँ पर अक्ष या तने पर पत्तियों की जो व्यवस्था होती है उसको क्या यहाँ पर कहा जाता है? चलिए जल्दी से इसका आंसर करिए। अब देखिए, जैसे मान लो यहाँ पर कुछ पत्तियां हैं जो इस तरीके से निकली हुई है, ठीक है, कुछ इस तरीके से यहाँ पर निकली हुई है, या फिर कुछ पत्तियां जो होती है वह कुछ इस तरीके से निकली हुई होती है, है ना। तो पत्तियों की जो व्यवस्था है वो अलग अलग हो सकती है, और उसको उसकी स्टडी को क्या यहाँ पर कहा जाता है? फाइलोटॉक्सी कहा जाता है, वर्नेशन कहा जाता है, वेनेशन कहा जाता है, या फिर
फाइटोटैक्सी उसको यहाँ पर कहा जाता है। बताओ जल्दी से इसका आंसर करो फटाफट से, कौन सा आंसर यहाँ पर 18 का सही होना चाहिए। और इसका जो सही यहाँ पर आंसर बनेगा वह क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फटाफट से नोट करेंगे कि इसे हम फाइटोटैक्सी के नाम से यहाँ पर जानते हैं, ठीक है। तो फटाफट से नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं। द स्टडी ऑफ द सेल्स इज ऑल्सो नोन एज, और अभी मैंने तुरंत ही पढ़ाया था कि कोशिकाओं का अध्ययन करना क्या यहाँ पर कहलाता है, कोशिकाओं का अध्ययन करना क्या यहाँ पर कहलाता है। तो पहला है साइटोलॉजी, दूसरा है फिजियोलॉजी, न्यूक्लियोलॉजी या फिर सेलोलॉजी। और अभी तुरंत ही बताया था मैंने, इसे हम क्या कहते हैं, साइटोलॉजी के रूप में यहाँ पर जानते हैं। देखो आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे क्या दिया है, सेलोलॉजी भी दिया है, पर सेलोलॉजी नहीं होता। इसका जो सही आंसर होगा वह क्या होगा, यहाँ पर साइटोलॉजी सही आंसर बनेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया रोधी दवा में किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है। अब सबसे पहले आप सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि मलेरिया किसकी वजह से होता है, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे मलेरिया किसकी वजह से होता है। और अगर आपको यह क्लास अच्छी लग रही है तो जल्दी से एक बार लाइक जरूर कर दीजिए। तो बेटा मलेरिया की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो यह एक प्रोटोजोआ की वजह से होता है, और उस प्रोटोजोआ का क्या नाम होता है, प्लास्मोडियम होता है। प्लास्मोडियम की वजह से ही आप देखेंगे कि आपको मलेरिया का रोग होता है। पर यह फैलता किसकी वजह से है, तब आंसर करना कि यह फैलता है फीमेल एनाफिलीज, फीमेल एनाफिलीज मॉस्क्यूटो की वजह से यह फैलता है। हिंदी में अगर हम बात करें तो मादा एनाफिलीज मच्छर की वजह से यह फैलता है। इस चीज को आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और एक चीज और ध्यान में रखना कि जो भी फीमेल मच्छर होती है, चाहे वो क्यूलेक्स हो, चाहे एडीज हो, चाहे एनाफिलीज हो, चाहे टाइगर हो, कोई भी मच्छर हो, तो फीमेल जो होगी वही काटती है, वही खून यहाँ पर चूसती है। जबकि अगर आप मेल के बारे में बात करते हैं तो जो मेल मॉस्किटो होता है वो अपना भोजन कहाँ से लेता है, प्लांट सैप से लेता है, यानी पादप रस से लेता है, ठीक है। इस चीज को आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। लेकिन फीमेल की अगर हम बात करेंगे तो वो हमेशा खून चूसेगी, है ना। अब वो ऐसा क्यों करती है, क्योंकि उसको अंडे देने हैं, अपने शरीर को गर्म रखना है, इस वजह से, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। चलो अब मलेरिया तो हो गया, पर मलेरिया की अगर हम बात करें तो मलेरिया को ठीक करने के लिए हम कौन सी मेडिसिन यहाँ पर देते हैं, बताइए जल्दी से इसका आंसर करिएगा। और इसका जो सही यहाँ पर आंसर बनेगा वो है क्लोरोक्वीन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक सिंकोना नाम का, किस नाम का, सिंकोना नाम का एक पेड़ होता है, और इस पेड़ की छाल होती है, और उसी छाल से ही क्या निकाला जाता है, यहाँ पर क्लोरोक्वीन निकाला जाता है, जिसकी मदद से आप देखेंगे कि मलेरिया ठीक किया जाता है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं। Which of these is not a macronutrient for the plant? इनमें से कौन सा पौधे के लिए macronutrient नहीं है? तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर यह समझेंगे कि भाई जो भी आपका macronutrient है उसका क्या मतलब है, जो ज्यादा मात्रा में चाहिए, जो पौधे को ज्यादा मात्रा में चाहिए। जबकि अगर हम माइक्रो न्यूट्रिएंट के बारे में बात करते हैं तो माइक्रो का क्या मतलब होता है, कम, तो कम मात्रा में पोषक तत्व चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे क्या कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट ऐसा है जिसको प्लांट की आवश्यकता नहीं है, प्लांट को आवश्यकता नहीं है। चलिए जल्दी से इसका आंसर करेंगे। यहाँ पे 21वें का कौन सा आंसर यहाँ पर आपका सही बनेगा, और इसका जो सही यहाँ पर आंसर बनेगा वो है क्लोरीन। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्लोरीन। तो जल्दी से यहाँ पे नोट कर लीजिए कि क्लोरीन पौधों के लिए मैक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है, क्योंकि बहुत कम मात्रा इसकी यहाँ पर चाहिए, ठीक है। तो अगर आप क्लोरीन के बारे में बात करते हो तो क्लोरीन की बहुत कम मात्रा से भी काम चल जाता है, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम ये ज्यादा चाहिए होता है, तो ये सभी इसके लिए मैक्रो होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं। कीटों में श्वसन अंगों के नाम बताइए, कीटों में श्वसन अंगों के नाम बताइए। स्किन से लेगा, शरीर की सतह से लेगा, गिल्स यानी गलफड़े से लेगा, या फिर ट्रेकिया सिस्टम से यहाँ पर यह श्वसन करेगा। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन है। चलिए चलिए इसका आंसर करेंगे। यहाँ पे 22 का कौन सा आंसर सही होगा। अब जो भी हमारे कीट होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, वह किसके अंतर्गत आते हैं, तो आंसर करना
आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा फाइलम के अंतर्गत आते हैं। और आर्थ्रोपोडा के जितने भी सदस्य होते हैं वह ट्रेकिया के माध्यम से श्वसन यहाँ पर करते हैं। तो ट्रेकियल प्रणाली यहाँ पर होती है जिसके माध्यम से यह श्वसन करते हैं। लंबी लंबी ट्यूब्स होती हैं। और आप सभी को यह भी पता होगा कि आर्थ्रोपोडा में जो सदस्य होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, वह कैसे होते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं। और इसी वजह से पूरे जो एनिमल किंगडम है उसमें सबसे बड़ा संघ, सबसे बड़ा फाइलम कौन सा होता है, तो आंसर करना है आर्थ्रोपोडा ही यहाँ पर होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि ट्रिप्सिन क्या यहाँ पर काम करता है। ट्रिप्सिन क्या है, सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि ट्रिप्सिन क्या है। बताइए बच्चों, जल्दी से बताइए ट्रिप्सिन की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ट्रिप्सिन एक प्रकार का एंजाइम होता है। ठीक है, क्या होता है, ट्रिप्सिन एक प्रकार का एंजाइम होता है। नॉर्मली तौर पर अगर हम देखें तो ये कहां से निकलता है, तो आंसर करना पैंक्रियास। कहां से निकलता है, पैंक्रियास यानी अग्नाशय से यह निकलता है। किससे निकलता है, अग्नाशय से यह निकलता है। और यह क्या काम करता है, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है, वसा को तोड़ता है, या फिर प्रोटीन को तोड़ने का काम यह यहाँ पर करता है। बताओ बच्चों 23 का कौन सा आंसर सही होगा। और इसका जो सही आंसर है कि प्रोटीन का ब्रेक डाउन करता है, मतलब प्रोटीन के पाचन में यह काफी अच्छी भूमिका निभाता है। तो जल्दी से नोट करेंगे, डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही बनेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं। उस स्रोत का नाम बताइए जिससे एस्पिरिन का उत्पादन होता है। जो एस्पिरिन होता है वह किससे बनाया जाता है, विडोज बार्क, ओक ट्री, एकेशिया यानी बबूल, या फिर यूकेलिप्टस, किससे यहाँ पर बनाया जाता है। चलिए, हाँ अजय मैंने देखा अभी, बताओ जल्दी से इसका आंसर करो फटाफट से, कौन सा आंसर 24 का सही यहाँ पर होना चाहिए। और जो एस्पिरिन होता है वह विडो बार्क से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है, एक पेड़ होता है और उस पेड़ का क्या नाम है, यहाँ पर विडो बार्क, और उसी से ही यह यहाँ पर बनाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है कि कैनिस फैमिलियरिस किसका साइंटिफिक नाम है। चलो बच्चों जल्दी से इसका आंसर करेंगे यहाँ पर और बताइए फटाफट से, कैनिस फैमिलियरिस किसका यहाँ पर नाम है। अब सबसे पहले आप लोगों को यह बात यहाँ पर समझनी होगी कि कैनिस, कैनिस मतलब कैनायन, जिनके कैनायन वाले दांत बहुत शार्प होते हैं। और नेक्स्ट है आपका फैमिलियरिस, जो फैमिली में बहुत ज्यादा हम पालते हैं, और इसका आंसर क्या हो गया, कुत्ता। तो फटाफट से नोट करेंगे यहाँ पर, इसका जो सही आंसर बनेगा वह क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो डॉग यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो फटाफट से नोट करेगा कि जो बी ऑप्शन है वह बिल्कुल यहाँ पर हमारा सही है। कुछ बच्चे कैट कह रहे, नहीं गलत बता रहे हैं, साइंटिफिक नेम ऑफ कैट। बिल्ली की अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसे हम फेलिस कैटस के नाम से जानते हैं, फेलिस शब्द इसके लिए यूज होता है। ठीक है, और कुत्ते के लिए हम देखें तो कैनिस फैमिलियरिस इसके लिए यहाँ पर होता है। साइंटिफिक नेम ऑफ फॉक्स, फॉक्स की अगर हम बात करें तो इसे हम वल्पस, वल्पस के नाम से जानते हैं, वल्पस, वल्पस के नाम से हम यहाँ पर जानते हैं। साइंटिफिक नेम ऑफ वॉल्फ, भेड़िया, भेड़िया की अगर हम बात करें तो इसे हम कैनिस ल्यूपस के नाम से जानते हैं। वॉल्फ की अगर हम बात करें, भेड़िया की अगर हम बात करें, तो कैनिस ल्यूपस की वजह से हम इसको यहाँ पर जानते हैं। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन दूध को खट्टा कर देता है। अगर आप नॉर्मल तौर पर देखें तो इनमें से कौन सा यहाँ पर दूध को खट्टा कर देता है। पहला है यहाँ पर आपका कि एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड और लैक्टिक एसिड। बताओ जल्दी से इसका आंसर करेंगे और इसका जो सही यहाँ पर आंसर बनेगा वह क्या हो जाएगा, लैक्टिक एसिड यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से नोट करिएगा कि डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही है, तो जो लैक्टिक एसिड होता है। ठीक है, चलो आगे हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, विच नॉन फ्लावरिंग स्पोर बेयरिंग प्लांट हैव रूट्स। इनमें से कौन सा ऐसा पेड़ है या पौधा है जिनमें रूट नहीं होता, जिनमें क्या नहीं होता, फ्लावर नहीं होता, फ्लावर नहीं होता, स्पोर्स होते हैं यानी कि बीज भी नहीं होता।
जो सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, वो भी नहीं होता, लेकिन जड़ें होती हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी सी जड़ें यहाँ पर होती हैं, और उनको क्या यहाँ पर कहा जाता है बताओ। जल्दी से इसका आंसर करो। यहाँ पे 27 का कौन सा आंसर आप लोगों का सही यहाँ पर होना चाहिए, और इसका जो सही यहाँ पर आंसर बनेगा वो है फर्म। तो फटाफट से नोट करेंगे, फर्म। यानी अगर आप टेरिडोफाइटा के बारे में बात करते हैं तो टेरिडोफाइटा में यही लक्षण आपको देखने के लिए यहाँ पर मिलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तिलचट्टा यानी कॉकरोच का उत्सर्जी अंग है? यहाँ पे क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एस्क्रेटरी ऑर्गन ऑफ द कॉकरोच। निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर कॉकरोच का एस्क्रेटरी ऑर्गन है? पहला है यहाँ पर मालवीगियन ट्यूब्स, दूसरा है यहाँ पर नेफ्रिडिया, फिर है कॉक्सल ग्लैंड, और फिर है यहाँ पर ग्रीन ग्लैंड। चलिए जल्दी से इसका आंसर करेंगे फटाफट से। कौन सा आंसर यहाँ पे 28 का सही होना चाहिए, और इसका जो सही यहाँ पर आंसर बनेगा वो है मालवीगियन ट्यूब्यूल्स। तो फटाफट से इसको नोट करिएगा कि आंसर जो यहाँ पर बनेगा वह क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, और ये है आपका मालवीगियन ट्यूब्यूल्स। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस को ठीक करने के लिए किस दवा का प्रयोग किया जाता है? अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पर यह समझेंगे कि जो यह रोग लिखा हुआ है ऑस्टियोपोरोसिस, यह किस तरह का रोग है। तो सबसे पहले तो यह बोन्स यानी हमारी हड्डियों से संबंधित रोग है, क्योंकि ऑस्टियो का क्या मतलब होता है, बोन्स हमारी हड्डियां, और पोरोसिस का क्या मतलब हो गया, पोर्स होना यानी कि छिद्र युक्त होना। कैसा होना, छिद्र युक्त होना। तो हमारी जो हड्डियां है वह कैसे हो गई, छिद्र युक्त हो गई। वहां से कैल्शियम की अगर हम बात करें तो कैल्शियम निकल निकल के क्या हो रहा है, भागता जा रहा है, निकलता जा रहा है, क्षरण होता जा रहा है, जिसकी वजह से हड्डियां हो गई कमजोर। अब जब हड्डियां कमजोर हो गई इसका मतलब कैल्शियम की कमी और विटामिन डी की भी कमी, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि विटामिन डी हमारी हड्डियों को स्वस्थ रखता है, कैल्शियम भी हमारी हड्डियों को स्वस्थ यहाँ पर रखता है। और कौन सी दवाई डॉक्टर हमको यहाँ पर देगा, तो बोलेगा कि भाई आप सबसे पहले तो क्या खाओ, विटामिन डी की टैबलेट्स खाओ, सीरम खाओ, सुबह की धूप लो, ठीक है, या फिर ओमेगा 3 खाओ, और इसके साथ ही वो कहेगा आप लोगों को कि जो फिश लिवर ऑयल होता है वो सब आपको देगा, ठीक है। लेकिन साथ में कौन सी दवाई भी यहाँ पर दी जाती है, तो रिसेड्रोनेट नाम की दवाई भी यहाँ पर दी जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं, और यह है आप लोगों का होमवर्क। ठीक है, चलो तो आज के सेशन को हम लोग इतना ही रखेंगे, और इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड में जाती हूँ, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लीजिए, और ये है आप लोगों का होमवर्क। जितने भी बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं सभी इसका होमवर्क करेंगे ऑफलाइन कमेंट करके, और साथ में ही अमृता मैम एग्जामपुर नोट्स, एग्जामपुर की तरफ से बनाया गया टेलीग्राम चैनल है जहां पर इसकी पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी, तो उसको भी एक बार जरूर देख लीजिएगा। बाकी ऑफलाइन कमेंट करके बताना कि आपको यह क्लास कैसी लगी, अगर अच्छी लगती है आपको यह क्लास तो लाइक कर दीजिए, और इसके साथ ही मंडे से हम केमिस्ट्री और फिजिक्स के क्वेश्चंस भी यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो आप सभी अपना ख्याल रखिए, और कल है क्रिसमस, तो मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। हंसते मुस्कुराते रहिए और खुश रखिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।